हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, वी आर प्लानिंग ऑन स्टार्टिंग अ मेंस क्रैश कोर्स फॉर द 2018 मेंस, जहां पे हमारा जो मेन फोकस रहेगा विल नॉट ओनली बी इन गिविंग प्रोवाइडिंग क्वालिटी कंटेंट, प्रोवाइडिंग क्वालिटी कंटेंट एज वेल एज इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन टू बी एबल टू राइट ग्रेट मेंस, बट ऑल्सो जो एक कोर है, एक बैकबोन है आपके मेंस में अच्छे मार्क्स लाने की, इस राइटिंग स्किल्स पे फोकस करना कि आप बेटर, बेहतर, यूनिक, अप्रोप्रिएट, जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह के आंसर्स कैसे लिखकर प्रेजेंट कर पाए, राइट। सो टेकिंग दैट पर्सपेक्टिव इन माइंड, जो वेरियस कॉम्पोनेंट्स जिस पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, पहला जो ऑब्वियसली आपका इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इज ऑफ GS1, राइट। तो आपके जो GS1 के वेरियस कॉम्पोनेंट्स हैं, इंक्लूडिंग इंडियन कल्चर, आपके आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है फ्रॉम 18th सेंचुरी, फ्रीडम स्ट्रगल, वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट, साथ ही साथ में आगे चलते हुए इंडिया, उसके सोशल इश्यूज, ज्योग्राफी, सो ऑन सो फोर्थ, इन सब के कॉम्पोनेंट्स आपके जो हिस्ट्री सर हैं वो ये वेरियस कॉम्पोनेंट्स आपको पढ़ाएंगे, राइट। सो इन सब की ही असिमिलेशन हम अच्छे से करके GS1 के क्रैश कोर्स के अंदर प्रेजेंट करेंगे, राइट। सो वेरी क्विकली, बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्रैश कोर्स है, सो ज़रूरी होगा टू वेरी क्विकली गो थ्रू इट। तो जितना रिक्वायर्ड कंटेंट है वो प्रेजेंट करना, जितने अच्छी तरह से कर सके उसको करना, जितने एप्ट वे में आपको सिखा सके कि किस फ्रेमवर्क में किस तरह का क्वेश्चन कैसे आंसर करना है, कैसे होलिस्टिकली सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है इन द लिमिटेड वर्ड्स एंड द लिमिटेड टाइम जो आपके पास अवेलेबल है, राइट। तो आपको पता ही है, चाहे वो 10 मार्क हो, 12 मार्क्स हो, 12.5 मार्क्स हो या फिर 15 मार्क्स हो, आपके पास वही एक लिमिटेड टाइम होता है जिसके अंदर आपने ये आंसर्स फिनिश करने हैं। तो किस तरह से टू हिट द नेल ऑन योर हेड, यही हमारा फोकस होगा आपके GS1 में, राइट। सो वही होता है कि GS1 में या तो आपके लो मार्क्स आए या एवरेज मार्क्स आए, हाउ टू राइज अबव द मार्क्स, राइट, राइट, हाउ टू राइज अबव दोज 10,000 to 15,000 पीपल जो कि बहुत मेहनत करके इस लेवल तक अभी आए हैं, हाउ टू बीट दैट कॉम्पिटिशन, यही मद्देनजर रखते हुए विल बी फोकसिंग ऑन दैट, राइट। तो हमने कोर्स हर कॉम्पोनेंट वाइज भी एक छोटा छोटा आपको सोर्सेज दे दिए, सो दैट यू कैन ऑल्सो फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द सोर्स जो है, जैसे कि हम क्रैश कोर्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इंडियन कल्चर के अंदर हम नितिन सिंघानिया, CCRT, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, फ्रंटलाइन हिंदू वगैरह पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, राइट। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो बिपिन चंद्रा की इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडियन, साथ ही में उनकी मॉडर्न हिस्ट्री है उन पे, एंड शेखर बंदोपाध्याय एज वेल, एंड साथ ही साथ में EPW के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनसे भी करवाया जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगेन रामचंद्र गुहा एंड आपकी जो क्लास 12 की पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है उस पर फोकस होगा। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में नॉर्मन लो एंड अर्जुन देव की दो इंपॉर्टेंट बुक्स है जिससे कंटेंट जनरेट किया जाएगा, राइट। सो बेसिकली आपका जो कंटेंट होगा इन सारी सोर्सेज से आएगा, राइट। हम काम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन कल्चर है, राइट, इंडियन कल्चर फॉर एग्जाम्पल हमारा टारगेट होगा कि 2 हफ्तों के अंदर ये इंडियन कल्चर जो है कंप्लीट कर दिया जाए, राइट। अब ये चलेगा कैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे जो है, राइट, मंडे, ट्यूसडे एंड वेनसडे जो है, राइट, इन द वीक आपके दो चलेंगे, एक होगा GS1 एंड दूसरा होगा GS2, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में GS1 के लेक्चर्स आएंगे, सेकेंड हाफ ऑफ द डे में GS2 के लेक्चर्स आएंगे, राइट। एंड फोकस क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इंडियन कल्चर हटाया है तो 2 हफ्तों के अंदर, राइट, हमने एटलीस्ट टारगेट होगा कि 5 से 6 क्वेश्चंस, ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो होंगे बहुत ही ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, राइट। जैसे कि आप UPSC में देख ही चुके होंगे, आपको कोई स्पेसिफिक नैरो बाउंड्री लाइन सेट करके क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट। क्वेश्चन क्या आएगा, बहुत ब्रॉड बेस्ड आएगा, 5-6 पंक्तियों का आपका क्वेश्चन ही होगा। सो टू अंडरस्टैंड कि उस क्वेश्चन में क्या क्या मांगा है एंड इतने सारे, इतनी वाइड रेंजिंग इन्फॉर्मेशन को आपने कैसे ये 150 to 250 वर्ड्स के अंदर बंडल अप करके मोस्ट एप्टली प्रेजेंट करना है, वही हमारा फोकस होगा यहाँ पे देना, राइट। बिकॉज कंटेंट तो है, कंटेंट तो अपार अवेलेबल है, राइट, उस कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करना है ये हमारा मेन फोकस रहेगा आपके मेंस के क्रैश कोर्स में, ठीक है। तो वैसे ही इंडियन कल्चर में अगर हम 5 से 6 क्वेश्चन पर वीक करते जा रहे हैं, 2 हफ्तों के अंदर हमारा टारगेट होगा कि
30 to 40 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए जाए, जो कि बहुत ही ज्यादा वाइड रेंजिंग क्वेश्चंस होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, ताकि आपका पूरा कल्चर का सिलेबस जो है इन 40 क्वेश्चंस के अंदर सिमट के आ जाए। तो कई चीजें ऐसी होंगी जो कि आप हर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली सेट कर सकते हैं, कई क्वेश्चंस, कई आपकी इंफॉर्मेशन ऐसी होगी कि आप जान पाओगे कि इस क्वेश्चन में अगर ये मांगा है तो यही डालना है मैंने, ठीक है। सो ऐसे आपको एक जो किस तरह से आंसर लिखना है वो हमारा टारगेट होगा कि आप वो कवर कर पाए, राइट। अगेन जो फोकस ऐसे ही बाकी चीजों में भी इसी तरह हम जो कंटेंट है इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट जो है आपको प्रेजेंट करेंगे एंड इसको आपके सामने रखेंगे, राइट। सिमिलरली अगर हम अब आगे चल के अगेन आपके जो सोशल इश्यूज एंड फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, अगेन इसके अंदर बहुत वाइड रेंजिंग इश्यूज जो है आपके सामने आके रखे जा सकते हैं जिनको आपने होलिस्टिकली डील करना है, किस तरह डील करना है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, राइट। तो इसके अंदर भी वेरियस सोर्सेज यूज होंगे, आराम हो जाएगी। सोशल प्रॉब्लम्स, अगेन EPW, फ्रंटलाइन, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सारी ही सोर्सेज से बना के कंटेंट जनरेट करके आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया जाएगा। अगेन फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर एज वेल एज आपकी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, दोनों के ही कॉम्पोनेंट्स, दोनों के ही सोर्सेज फ्रॉम NCERT, GC Leong, राइट, डाउन टू अर्थ आपकी जो वेरियस एटलस है उससे कंपाइल्ड नोट्स ऑफ ईशर जज आलूवाले, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के अंदर अर्बनाइजेशन पे काफी अच्छी सीरीज निकाली थी। साथ ही साथ में हमारे खुद के जो कंपाइल्ड नोट्स है उनके अंदर से हम ये जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंदर ये प्रेजेंट करेंगे, राइट। अब अगेन ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट क्यों, ठीक है, पहली चीज है कंटेंट, ठीक है, ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इसलिए आपकी फुल कवरेज होगी, ठीक है, फुल कवरेज ऑफ द सिलेबस इन फास्टेस्ट टाइम पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट भी हमने करना है, कितना कंटेंट करना है, किस तरह से करना है एंड कितना विल बी अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो अपार है, उस अपार इन्फॉर्मेशन को आपने स्ट्रीमलाइन करके कैसे यूज करना है वो बहुत जरूरी है, साथ ही साथ में टाइम का भी बहुत जरूरी है कि कितने टाइम में फटाफट ही खत्म कर पाए, क्योंकि सिर्फ एक GS तो है नहीं, 4 GS के कॉम्पोनेंट है, फिर आपने ऐसे भी करना है, आपने ऑप्शनल भी करना है, राइट। सो ये इतने सारे चीजें आपने करनी है, सो यू हैव टू कीप योर टाइम इन माइंड एज वेल, राइट। सेकेंडली क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है, राइट, तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, मेंस के अंदर जो मेन फोकस है, कंटेंट आपको चाहे जितना मर्जी आता हो, अगर आपकी ये राइटिंग स्किल्स आर लैकिंग, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर मार्क्स, एंड दिस इज हाउ पीपल आर गेटिंग मार्क्स, बाय राइटिंग, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंटली इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट्स के अंदर आपको फ्रेमवर्क्स आएंगे जो प्रोवाइडेड होंगे, राइट, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जितने भी ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड्स जो है, राइट, कीवर्ड्स आप कैसे पकड़ेंगे और इन कीवर्ड्स के अंदर आप एकदम टारगेटेड आंसर्स कैसे प्रोवाइड करेंगे टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। साथ ही साथ में ऑब्वियसली आपके टेस्ट होंगे, मिड अगस्त ऑनवर्ड्स आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, हर वीक जैसे जैसे हम आपको कराएंगे, वीकेंड के ऊपर ऑब्वियसली एक कॉन्सेंट्रेशन होगा कि आप भी इन क्वेश्चंस के ऊपर लिख के प्रैक्टिस करें, राइट। तो वीकली एक प्रैक्टिस तो होती रहेगी, साथ ही साथ में टेस्ट भी होंगे अगस्त ऑनवर्ड्स, जिसके अंदर आपको एक्सटेंसिवली रिव्यू करके बताया जाएगा कि किस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। सो यही मेन फोकस होगा हमारा GS1 में, टू प्रेजेंट यू विद ऑल द फुल कवरेज इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मैट विद फ्रेमवर्क्स, विद द मॉडल आंसर्स जिसके अंदर होंगे, कैसे कंटेंट को अंदर आपने फिट करना है, किस तरह से कौन से कंटेंट को कब क्या पूछा जाए उस तरह से डालना है, यही हमारा मेन फोकस होगा जो हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि GS1 में दिया जाएगा, राइट। आपके हिस्ट्री के सर जो कि वेरी वेल रेड इन GS1, कंसिस्टेंटली उन्होंने बहुत हाई मार्क्स लिए थे मेन्स के अंदर इस पेपर में, राइट, ही विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द आंसर फ्रेमवर्क्स, प्रेजेंटिंग यू लेक्चर्स ऑन द सेम, राइट। सो यू विल बी इन वेरी गुड हैंड्स, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड फोकस ऑन एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन, एंड हाई टाइम के मेन्स के अंदर, राइट, दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू प्रूव योर मेटल टू गेट अ ग्रेट रैंक, राइट। सो थिंग्स नीड टू रियली गेट मूविंग नाउ, एंड दिस इज समथिंग दैट वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट मटीरियल पॉसिबल, राइट। सो थैंक यू एंड होपफुली hope to see you in the course soon, so that you can take full advantage of the kind of material and the kind of guidance that Sleepy Classes is looking to provide you, right? Thank you.